हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्यूटर को फास्ट करने की कुछ टिप्स बताऊंगा। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे होगा ये कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकेंगी। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विंडो प्लस आर प्रेस करना है। मैंने पहले टाइप करा हुआ था तो आपने ये भी ये टाइप करना है, परसेंटेज टेम परसेंटेज एंड एंटर करना है आपने। ये वो फाइल्स हैं जो आपके कंप्यूटर को हैंग करती हैं या आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करती हैं। सो आपने करना यह कंट्रोल ए से इन सबको सेलेक्ट कर लेना है एंड शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना है एंड इसको आपने एडजस्ट करना है, स्किप कर दिया आपने। ठीक है, ये हो गई सारी जितनी डिलीट होनी थी उतनी डिलीट हो गई एंड उसके बाद आपने दोबारा विंडो प्लस आर प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ वो लिखना है TEMP, टेम प्रेस करा आपने, ओके करा। मैं इसकी स्क्रीन साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कंट्रोल प्लस ए, इन दोनों चीज़। जैसे मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ इस वजह से ताकि वीडियो सही बने, मगर आप लोग जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइल होंगी। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि दो वीडियो किस लिए आई हैं। तो आपने शिफ्ट प्लस डिलीट इसको भी आपने कर देना है यस एंड स्किप अगेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन विंडो प्लस आर प्रेस करना है एंड अब आपने जो टाइप करना है वो टाइप आपने करना है रीसेंट। अच्छा, ये वो फाइल्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके कंप्यूटर को हैंग करती है, यस आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है ना उसको बहुत ज्यादा स्लो करती है। आपने अच्छा कंट्रोल ए से आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना, ये देखें जितनी भी फाइल्स हैं 1KB 2KB जितनी भी ना आपके कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा हैंग करती हैं। अपने शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करना आपने अगेन, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ओके, अब आपने विंडो प्लस आर प्रेस करना। अच्छा, सारा काम इसमें विंडो प्लस आर का ही है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेस करना है PRESETCH, ओके करा आपने, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये वो फाइल्स हैं जो आपके कंप्यूटर को हैंग करती हैं। ठीक है, आपने अगेन वही करना है। अब तो आपको याद हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, ये सारी फाइल्स ये देखें आपके कंप्यूटर को हैंग करती हैं। आपने शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करना है यस। ये एक रह गई होगी मेरे फाइल से, नहीं ये नहीं हो रही, मतलब इसका मेरे कंप्यूटर का कोई काम है या चल रहा है तो इस वजह से ये डिलीट नहीं हो पा रही। बाकी सारी जो वीडियोस थी जो फाइल्स थी वो डिलीट हो गई है। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। असल में अभी मेरी सिर्फ दो वीडियो आई हैं तो मुझे लोगों ने कहा कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, ये जो ये टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।